हमारी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, एक सैक का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी टीचर्स की पोस्टें हैं 10+2 लेक्चरर्स की पोस्टें उनको सबको विदहेल्ड कर दिया, कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इससे पहले जो यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, RET टीचर्स लगाए जो उनके घरों में काम करते थे या जो उनके मतलब पॉलिटिकल एजेंट्स थे। ये सुपर नेमरी पोस्ट को इनको रेगुलर किया जाएगा एंड ये सब होगा अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ जनरलाइज टीचर जो कि एडवर्टाइज होनी थी इन फ्यूचर। अब इससे एक इमीडिएट शॉक हम लोगों में ये आया है कि इसके तहत 10 साल तक मिनिमम 10 साल तक आने वाले टाइम में कोई भी टीचर्स की या लेक्चरर की पोस्ट नहीं आएगी। सुपर न्यूमरेरी हमारे पास होता है कि जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, अटैचमेंट बेसिस पे होते, अडॉक बेसिस पे होते हैं। ये हमारे पास 28,363 पोस्टें हैं और इस ऑर्डर में ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि जब तक हमारे पास ये पोस्टें फिलअप नहीं होती हैं, जब तक लास्ट पोस्ट उसकी मतलब 63 पोस्ट में लास्ट पोस्ट जब तक फिलअप नहीं होती है तब तक हमारे पास कोई भी फ्रेश रिक्रूटमेंट हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं होगी। तो इस चीज़ के अंदर, इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने रिजेंटमेंट क्यों किया, क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि भाई हमारे पास वी आर हैविंग मोर देन 7 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ और अनएम्प्लॉयड यूथ के अंदर हम एडुकेटेड यूथ को इंक्लूड करते हैं तब वो अनएम्प्लॉयड बनता है। 7 लाख हमारा यूथ बेकार है और हमारे पास सबसे जो बड़ा सोर्स ऑफ हमारे इसका है एजुकेशन का है, जो एम्प्लॉयमेंट का है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में और उसके अंदर उन्होंने कम्प्लीटली लॉक कर दिया है। पहले गवर्नमेंट ने 1500 रुपये में बहुत सारे टीचर्स लगाए, 5 साल के लिए उनको काम कराया। हमारा जो जस्टिस का तरीका है वो ये कहता है कि इक्वल पे होनी चाहिए, इक्वल काम के लिए, इक्वल वर्क पर इक्वल पे। लेकिन उन लोगों को 1500 रुपये में आप 5 साल काम करवाते हो और उसके बाद जब आप लोगों को लगता है कि अब वो लोग पॉलिटिकल पावर बन चुके हैं और अब वो लोग जो हैं आपको वोट बैंक में हेल्प कर सकते हैं, तब आप उनको रेगुलराइज़ करते हो। और फिर आप जब उनको रेगुलराइज़ करते हो तो आप जो नई रिक्रूटमेंट होनी है उस कोटे में से उनको कर रहे हो क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। हालांकि पहले भी वो लोग परमानेंट होते थे, एक तरीका होता था 50% लोग जो थे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में से आते थे, 50% लोग जो थे वो परमानेंट होते थे, उनकी प्रमोशन होती थी। गवर्नर साहब जब जम्मू आए थे तो उन्होंने बोला था मैं यूथ की बात सुनने के लिए आया हूँ, मैं यूथ की बात को आगे ले लूँगा, मैं यूथ से बात करूँगा। अब कहाँ है वो यूथ से बात करने का, अब मौका है उनको, करिए ना बात आके, क्यों नहीं आ रहे हैं सामने बात। आज हमारी डेलीगेशन गई गवर्नर साहब के वहाँ पे, वहाँ जाके हमें ऑफिस में बोला जाता है सीधे कहाँ से उठा के लाए हो ये बच्चे। आज हमने गवर्नर साहब के जो एडवाइज़र हैं उनसे भी हमने बात की, आज वहाँ पे हम एक मेमोरेंडम लेके गए थे और हमने वहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की, बट इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स दैट वॉट वॉज सैक ऑर्डर। और फाइनली उन्होंने कहा कि हमने इन चीज़ों को जो है मर्ज इसीलिए किया क्योंकि वी आर हैविंग अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अरे यार, फाइनेंशियल क्राइसिस आप लोगों के पास कह रहे हो, आप एजुकेशन के अंदर आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। एक हमारे पास एक MLA हमारे पास जो वहाँ पे उसकी आप 60,000 से 1.5 लाख उसकी आप तनख्वाह करते हैं, फॉर दैट यू आर योर ट्रेजरी फुल। और जब हमारे पास एक टीचर की बात करते हैं, जब हमारे पास एक टीचर जो हमारे पास एसेट है सोसाइटी के लिए, वो टीचर हमारे पास जो हमारे पास लीडर साइंटिस्ट और स्कॉलर फिलोसोफर डॉक्टर्स को क्रिएट करता है, उसके लिए आपके पास फंड्स नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो डिसीजन है ये रिवोक होना चाहिए, देयर शुड बी सम रेशियो जिसमें RETs को भी आप प्रमोट कीजिए, बट उसके साथ ही आप जो हमारा यूथ है, जो इतना पढ़ा लिखा यूथ है, उनको लगाइए।